खबर लखनऊ से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। चार घंटे एम्बुलेंस में तड़पती रही कोरोना संक्रमित युवती, कंट्रोल रूम एसजीपीजीआई के चक्कर काटते रहे परिजन। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होता देख निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। प्रयागराज के रहने वाले फार्मासिस्ट की पत्नी संक्रमित हुई। इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता जुड़ गए। शैलेश, अपडेट दीजिए, जानकारी दीजिए। बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, देखिए ये प्रयागराज की रहने वाली ये महिला, इनके जो पति है वो खुद एक कोरोना वॉरियर है, एक स्वास्थ्य कर्मी है। इस समय भदोही में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात है। 28 मार्च को इस महिला की, इस युवती की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी और उसके बाद उनको घर पे भर्ती कराया गया, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो उनको मंगलवार यानी कल लखनऊ लाया गया। पीजीआई में भर्ती कराया जाना था, वहां लेके गए, लेकिन वहां बेड नहीं मिल पा रहा था प्रक्रिया की वजह से। उसके बाद कोविड कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, वहां पर संपर्क किया गया, लेकिन जैसा परिजनों का कहना है कि उसके बाद भी बेड नहीं मिला। इस बीच में 4 घंटे बीत चुके थे और एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन थी वो भी खत्म हो रही थी, इसलिए वो लोग तत्काल उन्हें लेकर निजी अस्पताल गए, वहां पर भर्ती कराया। वही दूसरी ओर देखिए, इस मामले को लेकर जो कर्मचारी परिषद है उसने एक मुख्यमंत्री को और मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है और उसने कहा है राज्य कर्मचारी संघ परिषद ने कि कोरोना वॉरियर के परिजनों को इलाज की जो पुख्ता व्यवस्था की जाए, उनको सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए और जो अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं बहाल की जाए, इस तरह की मांगे भी की है। यानी इतनी बड़ी जो है हालत, जिस तरह से कोरोना पेशेंट्स को लेकर अब जिस तरह से स्थितियां गड़बड़ा रही हैं, ये बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं, जो दावे हैं, वो कहीं ना कहीं अब टीके भी पड़ रहे हैं। और शायद इसकी वजह ये है कि जितनी तैयारी की गई थी उससे ज्यादा तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और शायद ये किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे जिला प्रशासन, के इतनी तेजी के साथ शायद केस आएंगे। राजधानी लखनऊ में देखिए रोजाना बिल्कुल जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं वो तो चिंता वाली बात है, लेकिन इस केस की हम बात करें, 4 घंटे एम्बुलेंस में तड़पती रही, क्यों किसी भी हॉस्पिटल में क्या बेड नहीं मिला उन्हें? देखिए जो यहाँ कोविड पेशेंट्स के लिए व्यवस्था है, कोविड कंट्रोल रूम जो है वहाँ से होता है, और ये बता रहे अधिकारी जो सूत्र है उनका कहना है, क्योंकि प्रयागराज की महिला थी, वहाँ के सीएमओ ऑफिस से रेफर लेटर नहीं था, इसलिए प्रोसेस में देरी हो रही थी। लेकिन जो भी कहा जाए, ये एक बड़ी खामी भी है, क्या फिर प्रोसेस का इंतजार किया जाएगा? ऐसे पेशेंट्स के लिए भी मजबूरन उनको ले जाना पड़ता है इसके बाद में निजी अस्पताल में, तो प्रक्रिया अपनी जगह है, नियम अपनी जगह है, नियम होते हैं लोगों की सुविधा के लिए, उनको और मुश्किल बढ़ाने के लिए नहीं होते। तो कहीं कहीं ये भी देखना होगा कि अगर ऐसे केस भी आते हैं, क्योंकि जब कोई परिजन परेशान होता है, किसी के परिजन, किसी के घर में किसी का इलाज चल रहा हो, तो प्रक्रिया को नहीं देख पाता है, कई बार लोगों को जानकारी भी नहीं होती है। अगर वहां से रेफर लेटर नहीं पहुंचा यहां पर, तो भी उसके लिए तत्काल कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी। और कोविड का अगर मामला हो, जिसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि कहीं पर भी इलाज कोताही ना हो। बिल्कुल शैलेश, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ऑक्सीजन खत्म होता चला गया, जिंदगी भी साथ साथ खत्म हो गई, सिर्फ प्रक्रिया के चक्कर में बहुत सारे सवाल इस घटना से जुड़े हुए खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब महकमे को देने होंगे। अब खबर लखनऊ से एक और, जहां सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में अचानक आग लगी, 15 से ज्यादा झुग्गियां इसमें जलकर खाक हो गए हैं। और आप अपनी तस्वीरों को देखें, पुलिस और दमकल की टीम ने फिर इन लपटों पर काबू पाया। ये पीजीआई इलाके में मौजूद है झुग्गी झोपड़ियां, जहां ये आग लगी, 15 झुग्गियां जल गई। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं जैसे आग लगी, और ये सुबह की तस्वीरें, इन झुग्गियों में आग लगी, करीब 15 झुग्गी झोपड़ियां जल गई। और अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे फिरोजाबाद से, जहां पर एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। फायर ब्रिगेड ने कोशिश जरूर की, लेकिन आप देखेंगे कि फैक्ट्री में सब कुछ जल चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन सब कुछ जलता हुआ इन तस्वीरों में दिख रहा है। फैक्ट्री में देखिए, जो सब सामान भीतर था वो सब जल गया है। आग किन कारणों से लगी ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन बड़ा नुकसान हुआ है। अब एग्जैक्ट नुकसान कितना है उसका आकलन किया जा रहा है और आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जाए। वाराणसी कोतवाली थाना इलाके के दारानगर इलाके में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट में दर्जन भर लोग घायल हो गए। मारपीट में बताया जा रहा है कि सुलझाने में लगे हुए दारानगर पार्षद मनोज यादव भी इसमें जख्मी हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस मामले में छानबीन कर रही है।
आगरा से खबर, पति के सामने पत्नी से गैंगरेप का मामला, पुलिस ने एक नामजद आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। एक नामजद आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस, इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से। पुलिस ने मामले में प्रदर्शन कर रहे पीड़िता पक्ष के लोगों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को नुनिहाई चौकी में बंद कर दिया। नितिन का रुख करते सीधा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, इतने जघन्य ये कांड, गैंगरेप की वारदात और पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर, पीड़ित पक्ष पर ही कार्रवाई कर दी, कार्रवाई तो उन अपराधियों पर करनी चाहिए थी। नहीं बिल्कुल, बहुत ही कहा जाए, यही तो पुलिस का कहा जाए, एक तो बहुत ही संवेदनहीन चेहरा है कि जो लोग पीड़ित पक्ष है और वो लोग न्याय मांग रहे थे, उनको ही इस समय आगरा के थाना अजमदौला के नुनिहाई चौकी में बंद कर दिया है। और जो इस समय जो आरोपी है उनमें से केवल एक ही व्यक्ति को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है, गौरी राजपूत उसका नाम है। बाकी जो मोनू और एक अन्य जो अज्ञात जो युवक है उसको अभी तक पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई है, वो फरार चल रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो लोग पीड़ित हैं, जो विक्टिम हैं, जो अपनी बेटी बहन की जिस इज्जत जो तार तार हुई है, जो आरोप लगा है उसके लिए न्याय मांग रहे हैं, उन्हीं को पुलिस चौकी बंद कर दिया है। लगभग कितने लोगों को चौकी में बंद किया गया नितिन? जब चूंकि वो लोग लगातार जब पीड़ित पक्ष है वो एक मस्जिद के बाहर होकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी समय पुलिस पहुंचती है, उनको लेकर जाती है। और जो नुनिहाई चौकी है, नुनिहाई चौकी इंचार्ज राहुल और इसमें जो इंस्पेक्टर है संजय त्यागी, वो लोग उनको लेकर आते हैं और चौकी में बंद कर दिया है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। कुल मिलाकर सवाल यही उठता है कि जो अगर कोई व्यक्ति अगर न्याय मांगेगा तो क्या पुलिसिया दमन उस पर चलेगा, ये बड़ा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल उठ रहा है। नितिन बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। न्याय मांग रहे लोगों जिनके परिवार की एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, पति के सामने गैंगरेप किया गया, प्रदर्शन कर रहे थे, न्याय मिल नहीं पा रहा था, प्रदर्शन करना पड़ा, पुलिस ने कार्रवाई तक नहीं की है, एक शख्स को ही अभी तक हिरासत में लिया गया, दो अभी भी फरार चल रहे हैं, लेकिन पुलिस ने पीड़ित पक्ष पर कार्रवाई करते उनको थाने में बंद कर दिया है। बेहद गंभीर सवाल यहां पर पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर दो भाई समेत तीन की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई और जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका है। दो भाई समेत कुल तीन की मौत हुई है, प्रतापगढ़ से खबर आपको दे रहे हैं, और ऐसी आशंका है कि जहरीली शराब के चलते मौत हुई, जहरीली शराब पीने से मौत होने की आशंका है। मामले में एसपी आकाश तोमर ने कार्रवाई की है। उदयपुर एसओ को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। आज दो भाई समेत कुल तीन की शराब पीने की वजह से मौत हुई है। उदयपुर थाना के कटरिया गांव का मामला है। और सुलभ हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। सुलभ, अभी भी आशंका व्यक्त की गई है कि जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हुई होगी, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, क्या उसमें स्पष्ट है कि कारण क्या रहे मौत के? हालांकि मैं आपको बता दें, जिस तरह से प्रतापगढ़ में लगातार पखवाड़े भर के अंदर जहरीली शराब से एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं आज फिर एक बार तीन लोग को संदिग्ध दशा में मौत होती है, तो प्रतापगढ़ एसपी आकाश तोमर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एसओ को निलंबित कर देते हैं। लेकिन अभी तक खबर में पुष्टि न होने के कारण पोस्टमार्टम शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पीएम हाउस भेज चुका है, लेकिन अभी तक प्रतापगढ़ एसपी ने शव को पुष्टि न करते हुए संदिग्ध बताया गया है। जी जी सुलभ, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार मौतें हो रहे हैं और इस मामले में भी यही आशंका है कि जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हुई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। दूसरी तरफ उदयपुर सीओ पर यह कार्रवाई की गई है। देश भर में कोरोना के नए आंकड़े सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 53,000 से ज्यादा केसेस आए और 854 लोगों की, माफ कीजिएगा, 354 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत भी हुई है। 354 लोग जिंदगी की जंग हार गए, कोरोना इनसे जीत गया। 354 लोगों की मौत 24 घंटे में हुई है, यह बेहद चिंताजनक और डरा देने वाला आंकड़ा। 41,000 से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं, संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, घरों को लौट चुके हैं। 53,000 से ज्यादा केसेस, 350 से ज्यादा लोगों की मौत, ठीक होने वालों की संख्या संक्रमितों से कम है। अब किस दिन कितने केसेस आए हैं ये आप डेटा देख रहे हैं। 53,480 आज का डेटा है, कल की बात करें 56,000 केसेस आए थे, तो कल की तुलना में तो आज कम है, लेकिन 29 मार्च को जो केसेस आए थे 68,020 थे, उसकी तुलना में आज आने वाले केसेस की संख्या कम है। उससे तरफ देखिए, 28 मार्च को 62,000 केस आए थे, 62,000 से ज्यादा थे।
27 मार्च को भी कुछ इतने ही केसेस थे, 26 मार्च को 59,118 केस थे। तो बीते कुछ दिनों से, बीते एक हफ्ते में जो आंकड़ा आया उसकी तुलना में आज केसेस 53,000 ही हैं, तुलना में कम है लेकिन केसेस हैं। और कोरोना के मरीजों की संख्या में तुलनात्मक कमी दिख रही है और कल के मुकाबले आज कम मरीज आए हैं। बीते 24 घंटे में 53,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं और 41,280 लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घरों को लौट गए हैं। 354 लोगों की मौत हुई है, यह आंकड़ा जरा डराने वाला है। कोरोना के कुल केसेस की संख्या की बात करें तो 1,21,49,000 पार हो गए हैं और इलाज के बाद अब तक 1,14,34,301 लोग ठीक हो चुके हैं। 5,52,566 एक्टिव केसेस की संख्या है। 1,62,468 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से देश में मौत हो चुकी है। वैक्सीनेशन जिन लोगों का हुआ है वो 6 करोड़ से ज्यादा है। रुक कर रहे हैं लखनऊ का। लखनऊ में गेहूं की खरीद कल से होगी शुरू और अब तक अगर बात करें तो 1,66,636 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, पंजीकरण करवाया। 1,66,636 किसानों ने पंजीकरण करवाया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यहां गेहूं की खरीद होगी, यानी कि MSP पर गेहूं खरीदा जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। और देश की बात करें और प्रदेश की बात करें तो ये खरीदारी शुरू है। प्रदेश में 2,304 क्रय केंद्र बनाए गए हैं जहां पर ये खरीदारी होगी और गेहूं खरीद 1,975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। एक और बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से। 24 घंटे में 7 लोगों ने गौतम बुद्ध नगर में खुदकुशी की है। ये मानसिक तनाव से ग्रसित लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने खुदकुशी की। 7 लोगों की खुदकुशी से हड़कंप मचा हुआ है और अभी तक खुदकुशी की असल वजह का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मानसिक तनाव से ग्रसित थे। पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही थी। एक साथ इतने सारे लोग, देखिए 24 घंटे में 7 लोगों की 7 लोगों का खुदकुशी करना ये सामान्य बात नहीं है। रविंद्र जयंत हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। रविंद्र, 24 घंटे में 7 लोगों की मौत, इन 7 लोगों के बारे में बताइए कि पुलिस के पास इनके बारे में क्या क्या जानकारी है, मौत के क्या क्या कारण स्पष्ट हो पाएंगे, क्या सभी मानसिक तनाव से थे या अलग अलग था मैटर? जी राजीव, बताना चाहूंगा जिस तरह से जो होली का त्योहार था, सभी पूरा देश जो है होली के त्यौहार को जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा था, वहीं पर जो है गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो 7 लोग थे मानसिक तनाव से जो ग्रसित बताए जा रहे थे, जिन्होंने जो है आत्महत्या कर ली, वो सभी जो 7 थे वो जो उनके परिजनों से जो बात हुई है उनका कहना था कि ये सभी लोग जो है मानसिक तनाव से ग्रस्त थे। और पुलिस ने इस मामले में जो पड़ताल की, जाँच की, अभी तक जो है प्रथम दृष्टया जो है मानसिक तनाव ही इनके जो सामने आ रहा है। रविंद्र, ये एक ही परिवार के लोग हैं या अलग अलग परिवारों के लोग हैं? और आपने बात की होगी किस किस तरह का तनाव था इन 7 को, क्या एक जैसा तनाव था या अलग अलग वजह थी? जी राजीव, ये पूरा गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग थाना क्षेत्र के जो सभी लोग हैं एक परिवार के नहीं थे, अलग अलग, इसमें कुछ स्टूडेंट भी थे, कुछ जो है नौकरी पेशा सभी लोग जो लोग थे, तो जिसके चलते किसी की नौकरी छूट गई थी, किसी का जो है कुछ अन्य व्यापार था वो कोविड के चलते छूट गया था या बंद हो गया था, जिससे जो वो लोग जो है परेशान थे, जिसके चलते उनके जो आत्महत्या की है। हालांकि जो आत्महत्या किसी भी जो व्यक्ति के पास जो शव है उसके पास आत्महत्या के कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद किया गया है। पुलिस ने सिर्फ अभी प्रथम दृष्टया यही बताया कि ये लोग जो थे इन्होंने अभी तक जो है जो सामने आया है इन्होंने तनाव के चलते जो है आत्महत्या करना बताया जा रहा है। तनाव के चलते, मानसिक तनाव के चलते ये मौतें हुई हैं, प्रथम दृष्टया पुलिस को भी यही लग रहा है। बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि चिंता वाली बात है कि मानसिक तनाव की जो है समस्या है ये कितना विकराल रूप धारण कर रहे हैं। 24 घंटे में 7 लोगों ने, जिसमें स्टूडेंट्स भी बताए जा रहे हैं, उन्होंने खुदकुशी कर दी। ऐसे में परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि परिवार के दूसरे सदस्यों को देखे कि कहीं वो मानसिक तनाव से तो नहीं गुजर। खबर आसिमगढ़ से, जहां पर बदमाशों ने प्रधान के बेटे को गोली मार दी है। चुनाव प्रचार करते समय बदमाशों ने प्रधान के बेटे को गोली मार दी। आजमगढ़ की खबर, बदमाशों ने प्रधान के बेटे को मारी गोली। गोली लगने के बाद प्रधान के बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रधान का बेटा भर्ती है, इलाज चल रहा है। मामले की छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है प्रधान का बेटा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन, लखनऊ से खबर। मेरठ में अनियमितता पर सीएम के निर्देश पर चार पर एफआईआर दर्ज भी है, चार लोगों पर एफआईआर चकबंदी को लेकर, चार अधिकारियों पर। ये चार अधिकारी हैं जिन पर एफआईआर हुई है। चकबंदी अधिकारी ने एसडीएम के आदेश के खिलाफ गड़बड़ी की थी, विवादित जमीन का बैनामा करवाया था। अब चार लोगों पर एफआईआर हुई है और चारों अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन। चकबंदी को लेकर चार अधिकारियों पर एफआईआर हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री का। जुलाई में बनना शुरू होगा गंगा एक्सप्रेसवे और 12 जिलों की 30 तहसीलों से होकर यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा। यूपीडा तेजी से जमीन खरीदने का काम कर रहा है, वहीं निर्माण एजेंसियों के चयन का काम भी शुरू हो गया है। मेरठ से प्रयागराज तक ये एक्सप्रेसवे बनेगा। दिसंबर 2023 तक इसे पूरे करने का लक्ष्य है कि 2023 तक ये पूरा हो जाए और आम लोग इसका फायदा उठा सकें। निर्माण एजेंसियों के चयन का काम भी शुरू हो गया है कि कौन सी संस्था इसका कार्य करेगी। कार्यदायी संस्था का चयन हो रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक का ये एक्सप्रेसवे साल 2023 तक बनकर पूरा हो जाएगा। जुलाई में बनना शुरू हो जाएगा। 12 जिलों के 30 तहसीलों से होकर यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा और यूपीडा तेजी से जमीन खरीदने का कार्य कर रहा है।